ओए क्या हुआ, ऐसे मरी हुई बिल्ली जैसे क्यों मुंह बनाया? यार मेरी फ्रेंड की शादी है, वो चाहती है कि मैं उसका मेकअप करूं, पर मैं तो खुद तेरी या श्रुति की हेल्प से अपना मेकअप कराती हूं। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे तो आधा ही मेकअप आता है? तो बाकी का मेकअप मैं बता देती हूं और हम दोनों मिलकर अपने दोस्तों को मेकअप के डूज एंड डोंट्स बता देंगे। ये सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन दो हफ्तों में आप घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हीं हफ्तों में हम भी अपने घर में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है। तो इस मुश्किल घड़ी में भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो जो दीदी दीदी बोलते हैं ना, उन दीदियों को प्यार भी दिखाओ, जल्दी से वीडियो को लाइक करो ढेर सारे, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यार अब मैं कट करती हूँ ना तो सीधी लाइन नहीं बनती है। क्या बात कर रही है यार, तुम्हें अदाओं से तो इतना मारती है, अब तुझे कट भी करना है और तुझे सीधी लाइन भी चाहिए? यार लोगों के लिए कट क्रीज की बात कर रही हूँ, कभी लाइन नहीं आती सीधी। हाँ वैसे सही कह रही है, ब्राइडल मेकअप में ना कट क्रीज लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं गलती क्या करती हूँ, सीधी लाइन क्यों नहीं आती कभी? क्योंकि तू ब्रश में ज्यादा प्रोडक्ट ले लेती होगी। हाँ सब यही करते हैं। यही तो नहीं करना है, सबसे पहले आप अपनी क्रीज को अपनी दो फिंगर से स्ट्रेच करो और उसके बाद ब्रश में कम प्रोडक्ट लेके एक शेप क्रिएट करो, और उसके बाद सेकंड स्टेप में थोड़ा सा कंसीलर एक्स्ट्रा लो और उसके बाद एक परफेक्ट लाइन बनाओ। ओहो कुछ नया सुनने को मिला ना, आज ही ट्राई करना आप लोग भी। आजकल कोरोना वायरस की वजह से जहाँ जहाँ फॉरेनर्स दिख रहे ना, मन कर रहा है कि हाथ जोड़ के दो को दूर भाग जाए उनसे, लेकिन जैसे मेकअप की बारी आती है आंख बंद करके जो जो बोलते हैं वही हम फॉलो कर लेते हैं। अब जैसे कि वो व्हाइट लाइनर लगाते हैं वो तो डॉल जैसी दिखती है, पर हम दिखते हैं डायन जैसी। अब भाई वो व्हाइट लाइनर लगाते हैं क्योंकि वो उनकी स्किन टोन से मैच होता है, पर हम लगाएंगे तो डायन ही लगेंगे ना। तो हमें लगाना है गोल्डन कलर या फिर अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ, जिससे हमारी आंखें लगेंगी बड़ी और डॉल जैसी। तो ये वाला ज्ञान आप शेयर करके अपनी सारी फ्रेंड तक पहुंचा दो। यार मैं जब भी काजल लगाती हूँ ना तो यहाँ अंदर तक इतना सारा जम जाता है और ऐसा लगता है कि रोऊंगी ना तो काला आंसू निकलेगा। अच्छा तो तुझे अंदर तक लगाने के लिए कहता कौन है? काजल को सिर्फ यहाँ तक लगाना। यहाँ तक कहाँ तक? अरे इनर कॉर्नर से इतना गैप छोड़ के काजल लगा, फिर उसे डार्क आई शेडो लेकर उसे सेट कर, फिर लाइट आई शेडो से उसे फेड कर दे। इससे तुझे स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा और तेरा काजल स्मज भी नहीं होगा। अरे वाह यार, अब से मैं ऐसी काजल लगाऊंगी, और मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसी लगाना। एक मिनट, आपके भी ऐसे आंसू निकले काले तो कॉमेंट करके बताओ। यार वो मेरी फ्रेंड है ना जो दिन मेरे साथ गोलगप्पे खा रही थी, पैसे देने में चिक कर रही थी। कौन वो टीना? हाँ यार वो किलस गई मेरा ब्राइडल मेकअप देख के, क्योंकि उसके फेस पे शाइन नहीं आई ना मेरी तरह। क्यों, पर तुम दोनों की स्किन टोन तो सेम है। वो इसलिए क्योंकि मैं मेकअप करने से पहले ना अपनी स्किन की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। कैसे? सबसे पहले मैं करती हूँ स्क्रब, उसके बाद कुछ स्पेशल ओकेशन हो जैसे शादी वगैरह हो तो मैं फेशियल हेयर भी रिमूव कर लेती हूँ। जब मेरे फेस पे मेकअप लगे ना तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चमके जैसे अभी चमक रहा है। ये सही है, आगे से मैं भी ये ट्रिक फॉलो करूंगी। यार सुन, बबली का जो ग्लिटर कट क्रीज हुआ था वो कितना बढ़िया लग रहा था, उसी को मैंने घर में ट्राई करा तो सारा रायता फैल गया था। हाँ तो वो फैले गए ना क्योंकि तुम वहाँ पे आके फड़फड़ा रही होगी जैसे यहाँ पे फड़फड़ाती रहती है पूरे दिन। तो क्या करना है? तो करना क्या है, लाइनर लगाने का और आंखों को 5 से 10 मिनट तक नीचे रखने का, जैसे वो कर रही थी आराम। यार मुझे ना डर लगता है, अभी मैं मेकअप करती हूँ तभी मेरे अंडर आईज इतने डीप लगते हैं, मैं जब ब्राइडल करूंगी तो मेरा क्या हाल होगा, मैं अच्छी भी लगूंगी। तू सबसे पहले क्या करती, कंसीलर लगाती है? हाँ वही तो नहीं करना है। देख तो सबसे पहले अंडर आईज की डार्कनेस को कैंसिल करने के लिए ना ऑरेंज करेक्टर लगा। लगा लिया। अब उसके ऊपर कंसीलर लगा, वो भी लगा लिया, तब भी नहीं जाती डार्कनेस, क्योंकि तू उसके ऊपर लूज पाउडर लगा लेती होगी। हाँ सब यही करते हैं। वही तो नहीं करना है, तुझे इस बार लगाना है मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर। अच्छा अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? ये इस चिड़िया का नाम है कि इसे बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट, छोटे से छोटा मेकअप आर्टिस्ट हर कोई यूज करता है, क्योंकि इसमें हाई कवरेज है और साथ ही साथ हमारे मेकअप को फ्लॉलेस लुक देता है। ब्राइडल पे गिफ्ट कर दियो भाई यहाँ से। ब्राइडल में एयरब्रश का नाम सुना है? वो वाला लुक चाहिए? तो क्या करेगी? करना क्या है, मार्केट जाके हजारों का मेकअप करा लेना एयरब्रश वाला। ए चुप चुप,
हम ये सब नहीं करेंगे, हम अनायसा वाले हैं। तो आपका जैसे ही मेकअप कंप्लीट हो जाए ना, आप अपने सेटिंग स्प्रे को आईज छोड़ के पूरे फेस पे 5 to 6 टाइम स्प्रे करो और उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे टैप टैप करके रिमूव कर लो। पांचवी बार स्प्रे करने से होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे फेस पे जितनी भी लेयर्स है ना, जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशन, पाउडर, ब्राउजर, ब्लश, हाइलाइटर, ये सारी लेयर्स आपस में घुल मिल जाएगी। और क्योंकि हमने ब्यूटी ब्लेंडर से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है, तो हमारा जो मेकअप है ना, पूरा एयरब्रश मेकअप लगेगा, यानी कि फ्लॉलेस लगेगा। वाह यार, सही है, मैं भी यही करूंगी। यार तुझे पता है हमारी कंट्री में ना तुझे सारे स्किन टोन के लोग मिलेंगे, लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन तक के सारे टोन मिलेंगे। पर जो डार्क टोन वाली लड़कियां होती है ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, जब भी वो लिपस्टिक शेड लेती हैं, जो कलर पैकेजिंग में होता है वो लिप्स पे अप्लाई करने के बाद सेम आता ही नहीं है। तो करना क्या नहीं है कि लिप्स पे डायरेक्ट लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करना है। अब देख, जैसे हम अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए करेक्टर यूज करते हैं, ऐसे हमें अपने लिप्स के लिए करेक्टर यूज करना है। अच्छा, अब तो एक और करेक्टर खरीदवा दे। अरे बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आप अपने लिप्स की मैचिंग की लिक्विड लिपस्टिक लगाओ, उसके बाद जो मर्जी कलर लगाओ, उसका ट्रू कलर तो आपके लिप्स में आना ही आना है। गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? बेसिकली हम एक प्रॉपर ब्राइडल मेकअप लेकर आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से हमें ये टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को जल्दी से शूट करना पड़ा, अपलोड करना पड़ा। आप कुछ कहना, जल्दी बोलिए। हाँ, कि आप अपने घर पे रहे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम वीडियो ना ला पाए, क्योंकि हमें भी सेफ रहना है अपने घर पे, आप लोग भी सेफ रहे। और कोरोना वायरस को आप सीरियसली लो, क्योंकि हम घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, छुट्टी इसलिए दिए, तो उसको मतलब दिमाग लड़ाओ। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी हम अपनी चीजों पे हम काम कर पाएंगे, हम यूट्यूब पे वीडियो बना पाएंगे। हमारे साथ ऐसा मत करो यार, घर पे रहो सारे के सारे, और तू जा यार जितनी देर।